और इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस बात का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हुई थी और बैठक के बाद में डिप्टी सीएम ने ये ऐलान किया है। जिस तरीके से सीबीएसई ने परसों ही ये ऐलान कर दिया था कि 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी जाती हैं, उसके बाद से ही जो बोर्ड परीक्षाएं हैं अलग अलग राज्यों के द्वारा ये ऐलान किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था और अब डिप्टी सीएम ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी जाती है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले, उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कोरोना के केस कम हो रहे थे, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, जैसे ही केंद्र से इजाजत मिलेगी और सीबीएसई आगे का प्लान बनाएगी उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन अब बैठक हुई थी, बैठक के बाद में ये बड़ा फैसला सामने आया जिसमें डिप्टी सीएम ने कहा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो परीक्षार्थी इंतजार कर रहे थे लंबे वक्त से, लेकिन अब उनका जो फैसला हो चुका है, यानी कि 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा छात्र उत्तर प्रदेश बोर्ड में हैं जो परीक्षाएं देते हैं। अब उन लोगों को एक राहत की ये खबर उन लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।